विजय बेटा, तू तो हमें परसों से जानता है ना। हमारी बिटिया ऐसी नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि वो इसके पीछे कुछ गलत हुआ है उसके साथ। अरे बेटा, यह वक्त बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी है उसको ढूंढना। देखिए रामू काका, दिमाग ठंडा रख के सोचिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू काका, मार दीजिए उसको। आपका दिमाग ठिकाने नहीं है रामू काका, गन नीचे कीजिए। नहीं, हाथ ये बंदूक नीचे नहीं होगी बेटा। गन नीचे कीजिए रामू काका। नहीं, हम अपनी बिटिया को ला कर रहेंगे। नहीं जरा पीछे जाओ रामू काका, गन नीचे कीजिए। माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। रामू काका, आप यहाँ कैसे आए? और ये बंदूक? जब बात अपने बच्चों की जिंदगी की होती है ना, तो कोई भी अहिंसावादी बाप हाथ में बंदूक उठा लेता है। हम जानते हैं अरुण बेटा कि हम गलत कर रहे हैं, पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारी बिटिया कहाँ है। काका देख, हमें ये डर है कि कहीं ये डर हमसे सच में कोई गुनाह ना करवा दे। काका आप ये क्या, इसका मतलब? वो सब छोड़, मुझे ये बता, हैरी कहाँ रहता? देख बेटा, अपनी बिटिया की सुरक्षा के आगे हमें और कुछ नहीं सोच रहा है बेटा। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो हैरी कहाँ रहता। आप चले जाएंगे फिर यहाँ से। काका आप पानी पीजिए। काका आप बैठिए, वक्त नहीं है हमारे पास। एड्रेस नहीं पता मुझे, वो शायद खुमुद का की जानती हो, क्योंकि उन्होंने ही उसे हायर किया था। बुला खुमुद को, बुला अभी। जाने बिना हम यहाँ से। सुन लो जगतराम, तुम ऊपर जाओ, बाकी मेरे पीछे। रामू काका रुकिए, आप गलत कर रहे हैं रामू काका। कोई पास नहीं आएगा। कबूत को बुलाओ। पीछे बेटा, उसे पता है, हैरी का पता, वो जानती है। पीछे आओ, पीछे हटो। What nonsense is going on in my house? रानी साहब पीछे हटिए, रामू काका जेल से भागकर यहाँ पर आया। कुमुद तुम तो जानती हो ना हैरी का पता, बताओ ना हमें। कुमुद बोलो ना। मैं हैरी के घर का पता नहीं जानती, मैंने तो ऑनलाइन सर्वेंट एजेंसी से उसका नंबर लिया था बस। रामू, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? भूल गया अपनी औकात? जी नहीं रानी सा, 20 साल नौकरी की है हम यहाँ पर, हैसियत औकात सब जानते हैं हम, पर आज आप सब लोगों को एक बात समझनी होगी कि हम यहां नौकर होने से पहले एक बाप है, और एक बाप की औकात से कहीं अधिक उसके जज्बात होते हैं। मजबूर और लाचार हो गए थे शायद, इसीलिए जिन हाथों से घर को संभालते थे उसी हाथ में हमें ये थापना पड़ा है। बकवास बंद करो, put the gun down। हमें माफ कर दीजिएगा रानी साहब, पर आज आपका हुक्म हम माता रानी के आदेश की तरह नहीं मान सकते। रामू, जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। ऑलरेडी एक केस तुम्हारे सर पे है। आप चूली पर चढ़ा दीजिए हमें, पर हमारी सांसें रुकने से पहले हमें अपनी बिटिया को बचाना है। रामू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज गन नीचे कीजिए रामू काका। बोला था हमने उसे, जी जान लगा कर समझाए थे, चली जा वापस, अपने बाबूजी को वापस ले जाने आई थी वो, हमें आराम की जिंदगी देने के लिए उसने
उसने अपने सपनों की गाड़ी को रोक लगा दी। रानी साहब अगर उसे कुछ हो गया तो हम ऊपर जाके उसकी अम्मा को कहां मुंह दिखाएंगे। और हम क्या मुंह दिखाएंगे जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा 20 साल पुराना नौकर हमारे घर में पिस्तौल लेके एक पागल कुत्ते की तरह घुस आया। हमें सिर्फ एरी का पता चाहिए रानी साहब। जाने कहां होगी हमारी बिटिया। बाऊजी, बाऊजी, पिंकू, पिंकू, छोड़ो, छोड़ो, कोई निकालो हमें यहाँ से, कोई है? पीछे पीछे रहो, पीछे रहो, वरना ये चल जाएगी। रामू काका, काकी, हटो हटो। रामू काका, शांति से बात हो सकती है, आप प्लीज कर नीचे कर दीजिए। नहीं, हमारे हाथ से ये पिस्तौल तभी नीचे होगा जब हमारी बिटिया रानी का हाथ हमारे हाथ पे होगा। हमें हमारी बिटिया चाहिए। बाऊजी, अभी सब काय कर रहे हैं बाऊजी, बहुत डर लग रहा है बाऊजी, बहुत डर लग रहा है। आगे बताना, एक मजबूर बाप के लिए उसके बच्चे ही उसकी मजबूती होते हैं विजय बेटा। हम गांव वाले ना थोड़े किसके हुए होते हैं, किसी की सेवा में अपना पूरा जीवन काट देते हैं। लेकिन अगर बात अपने बच्चों की हो ना तो हम सामने वाले को भी काट देते हैं बेटा। हमें सिर्फ हैरी का पता चाहिए, उसके बाद तुम जो सजा देना चाहो हमें दे देना, जो दफा लगाना चाहो लगा देना बेटा, हम कुछ नहीं कहेंगे। सर ऑर्डर दीजिए, यहीं ठोक देता हूं इसको। स्टॉप इट, कोई गोली नहीं चलाएगा। कंट्रोल योर ऑफिसर विजय। रामू काका, मेरी तरफ देखिए, आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, मुझे 1 घंटा दीजिए, सिर्फ 1 घंटा, आपकी रानी आपके पास होगी, ये वादा रहा। तब तक प्लीज कुछ गलत मत कीजिए, चाहे जो भी हो जाए रानी को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। हेलो,
ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग कमिश्नर. क्या इसी तरह आप जयपुर के रॉयल और एलीट फैमिलीज की रक्षा करते हो? एक आदमी गन लेके हमारे घर में घुस आया है और आपके आदमी सिर्फ उसका चेहरा देख रहे हैं. गेट दिस सॉर्टेड आउट राइट नाउ, वरना आपको पता है हमारी पहुंच कहां तक है. और हाँ, पुलिस वेलफेयर फंड्स में हमारा शेयर आना बाकी है. Got it? जैन सर, मुलजिम काबू ना आए तो ठोक दो. रजावत का एक बूंद खून भी बहाना तो पूरे डिपार्टमेंट में बाढ़ आ जाएगी और सबसे पहले डूबोगे तुम. ऑर्डर फॉलो होने चाहिए. ओके सर. मेरे प्रोफेशन में एक गलती और इंसान की जान जा सकती है. ठीक उसी तरह आपसे एक सवाल करूंगा मैं, तो अगर जवाब गलत निकला तो आपकी जान. ना 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 कोसा प्लीज. रानी कहाँ है? रानी, रानी सा वो लड़की वो तो कहीं चली गई थी ना, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता वर्षा वो कहाँ है. गलत जवाब. जानते हो कैसे पता मुझे? आपके पल्स फ्लक्चुएशंस. विजय, हाँ विजय. मामला गंभीर है कुंवर साहब. अगर जल्दी रामू काका ने खुद को सरेंडर नहीं किया तो ऊपर से गोली मारने का ऑर्डर है. आपके पास टाइम बहुत कम है. ओके, मैं कुछ करता हूँ. बिना किसी लीड या प्रूफ के कहां ढूंढूंगा रानी को? आप माता रानी के इतने बड़े भक्त है रामू काका, देखना उनकी कृपा से रानी भी जल्दी मिल जाएगी. नहीं विजय बेटा, आज माता रानी की दुआएं आपको तब तक असर नहीं करेगी जब तक हमारी बिटिया आपको मिल नहीं जाती. अगर आपने ये गन नीचे नहीं की तो मजबूरन मुझे आपको. नहीं नहीं विजय भाई, बाबूजी बंदूक नीचे कर दीजिए, बहन के खातिर बंदूक नीचे कर दीजिए बाबूजी. पिंकू की बात मान लीजिए रामू काका, हम सब मिलकर ढूंढने के रानी को. अरे आपने बचपन से ही विश्वास और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया, संयम रखने की सीख दी है और आज आप खुद ही. नहीं होता है, छूट रहा है आज हमारा संयम बेटा. हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं ढूंढेगा हमारी रानी बिटिया को, कोई सरकारी फाइलों के नीचे दब के रह जाएगी, भूल जाएंगे सब उसे. तुमका ऑर्डर मिला है ना ऊपर तुम्हारे साहब लोगों से ऊपर गोली चलाने का, तो करो अपना ड्यूटी, हम ना रोकेंगे तुम. विजय बेटा, आज हमको भी हमारे दिल ने ऑर्डर दिया है.
हम भी ना रुकेंगे। तुम अपना ड्यूटी करो, हम एक बाप का संघर्ष करेंगे। अरे बचपन से दूर रहिए हमसे, इसी आस में कि एक दिन उनके बाबूजी लौट आएंगे। वो आस भी खत्म नहीं होने दे सकते। अब हैरी का पता दे दो विजय बेटा, सही टाइम आने पर हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। पागल हो गया, इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सर आप ऑर्डर कर दो, इसको यहीं पर ठोक दो। अभी अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है जाने की रानी? जल्दी तो है क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना वक्त जरूर है कि तुम तीनों को सबक तो सिखा सको। इंसान का गला दबता है ना तो उसकी सांसें रुक जाती है, दिमाग तक खून नहीं दौड़ता, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और आपके साथ भी यही होने वाला है। आप ठीक है? चलिए हमारे पास वक्त नहीं है। रामू काका आखिरी मौका है आपके पास, अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो एक्शन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा मेरे पास। हमको अपना संघर्ष और कर्तव्य निभाना है, करो तुम अपनी ड्यूटी। बाबूजी बंदूक छोड़ दीजिए ना बाबूजी। ओह गेट डन विद इट ऑलरेडी विजय, कब तक हम इस घर में कैद रहेंगे? हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और रामू को इस बात का एहसास है। जस्ट फॉलो योर ऑर्डर्स विजय। तीन गिनने तक का समय आपके पास रामू काका, अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बिटिया से दूर हो जाएंगे आप। अब अकेले पड़ जाएंगे बाबूजी, बस तुम पीछे करते चलो प्लीज। एक दो शूट। रानी बिटिया। बाबूजी कहाँ चली गई तुम? किया कहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना?
चोट कैसे लगी? हम ठीक है बाबूजी। जान निकल गई थी तुम्हारे बाबूजी की, पता है तुम्हें? बेटा ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, हम तो सामान खरीदने के लिए बाहर गए थे, कोई बुड़बक आ गया पीछे से, हमको दबोच लिया, आंखें बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया और कुछ अजीब सा सुना दिया हमको, और हम होश खो बैठे थे। अरे बिटिया, सामने आओ फिर बात करते हैं। रानी साहब, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पर क्या कर सकता हूँ उसका एक नमूना आपको जरूर दिखाऊंगा। इंतजार कीजिएगा एक बड़े धमाके का। शब्द नहीं है हमारे पास कुंवर सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कहे जिससे आपके पास हमारे हमारे मन के भाव पहुंच पाए। कुंवर सर, बहुत बड़ा उपकार किए है आप हम पर, हमारी रानी बिटिया के रूप में आपने हमें हमारी सांसें लौटा दी है। कुंवर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंवर सर, हम जिंदगी भर आपका मेरे अम्मू का हाथ मत जोड़िए, आप तो हमारे अपने हैं। रानी साहब, हमें माफ। We'll be right back.